Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Finally, Samsung बहुत ही जल्द इंडिया में Samsung Galaxy M30 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. अब ऐसे में सवाल ये होता है, ये फ़ोन किन लोगों के लिए हैं? तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली Samsung Galaxy M30 स्मार्टफोन किन लोगों के लिए हैं, और ऐसे पांच रीजंस बताऊंगा जिसके लिए हमें इस फ़ोन का वेट करना चाहिए, और साथ ही साथ कॉन्स मतलब एक प्रॉब्लम भी बताऊंगा. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. सबसे पहले रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन की स्क्रीन. तो Samsung Galaxy M30 में 6.38 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी. अब ये जो डिस्प्ले होगी वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी. अब ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती हैं वो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले होती हैं. उसके कलर रिप्रोडक्शन और व्यूइंग एंगल बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं कम्पेयर टू IPS डिस्प्ले. इसके अलावा हमें इस फोन में वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिल जाएगी. तो डिस्प्ले वाइज Samsung ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है. इसके अलावा इस फोन में जो बेजल्स होंगे वो ना के बराबर होंगे, मतलब स्क्रीन का जो एरिया है वो ज्यादा देखने को मिलेगा. तो डिस्प्ले वाइज Samsung Galaxy M30 काफी आगे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे Samsung Galaxy M30 में AMOLED टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है. जबकि कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट पे ये जो दूसरे फोन है उसमें हमें IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जैसे कि Note 7, Note 7 Pro, Zenfone Max Pro M2, इसके अलावा Realme U1. यकीन मानो Samsung ने डिस्प्ले वाइज इस फोन में बहुत ही अच्छा काम किया है. जो Samsung की AMOLED डिस्प्ले होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और ऐसे भी इस प्राइस पॉइंट पर आज की डेट में कोई दूसरे ब्रांड्स के स्मार्टफोन में सुपर AMOLED टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती. तो Samsung ने डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा काम किया है. दूसरे रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन की बैटरी. तो Samsung Galaxy M30 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है. अब Asus Zenfone Max Pro M2 में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता. तो यहाँ पे Samsung Galaxy M30 में हमें बड़ी बैटरी भी देखने को मिलती है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है. तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी Samsung ने बहुत ही अच्छा काम किया है दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन के मुकाबले में. थर्ड रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन की कनेक्टिविटी. तो इस फोन में हमें ड्यूअल 4G और ड्यूअल वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और लीक्स की माने तो इस फोन में हमें NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है. तो कनेक्टिविटी के मामले में Samsung ने यहाँ पे कहीं पे भी कंजूसी नहीं की है. फोर्थ रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन का माइक्रो SD कार्ड स्लॉट. आजकल आप देखते होंगे जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आप एट अ टाइम दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो. लेकिन यहाँ पे Samsung Galaxy M30 में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, मतलब एट अ टाइम आप दो सिम और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो. तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इस फोन के लिए. फिफ्थ रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन का कैमरा. तो Samsung Galaxy M30 में बैक साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिल सकता है, 13+5+5 मेगापिक्सल, जिसमें 13 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर होगा उसका अपर्चर होगा f1.9, और बाकी के जो दो सेंसर हैं उसका अपर्चर होगा f2.2. इसके अलावा जो फ्रंट कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल का हो सकता है, जिसका अपर्चर होगा f2.0. तो काफ़ी अच्छा कैमरा इस फोन का रहने वाला है. कोई भी शिकायत नहीं होगी इस फोन के कैमरा से, क्योंकि Samsung का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कैमरा वाइज वो काफ़ी अच्छा है. तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी ये फोन आगे रहने वाला है. अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जो के हैं परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस आपको इस फोन से कैसे देखने को मिलेगी? यहाँ पे मैं कहूँगा Samsung बड़ी गलती करने जा रहा है Samsung इस फोन की परफॉर्मेंस को लेकर. यहाँ पे भी आपको देखने को मिलने वाला है Exynos का 7904 चिपसेट. ये वही प्रोसेसर हैं जो हमें M20 में देखने को मिला था, लेकिन उसकी प्राइस थी 10,990 रुपीज़.
अब फिर से ये प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है Samsung Galaxy M30 में। इसका प्राइस इससे काफी ज्यादा रहने वाला है Samsung Galaxy M20 से। ये जो Exynos 790 जो चिपसेट है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना हमें चाहिए था Galaxy M30 में। ये प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 632 या 625 के लेवल का है, उससे बेटर ये प्रोसेसर नहीं है। मतलब सीधी बात है, अगर आपको हैवी गेमिंग के लिए फोन लेना है या फिर हैवी यूसेज के लिए फोन लेना है तो Samsung Galaxy M30 आपके लिए नहीं होने वाला है। यहाँ पे Samsung को Qualcomm Snapdragon 660 लेवल का कोई प्रोसेसर देना था। आप इसके बारे में क्या कहते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग की, तो ये फोन 17,000 से 18,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है। अब ये प्राइस पॉइंट पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, सी टाइप पोर्ट, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और सैमसंग ब्रांड का फोन, तो बहुत ही अच्छा फोन है। लेकिन प्रोसेसर वाइज ये फोन कहीं ना कहीं वीक रहने वाला है कंपेयर टू Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर स्मार्टफोन। बाकी दोस्तों आप बताइए, क्या आप Samsung का ये फोन लेना पसंद करोगे या फिर कोई और स्मार्टफोन का वेट करते हो, तो वो कौन सा फोन होगा जरूर बताना आपकी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।